अपने पूरे परिवार के साथ देखिए पैडमैन की कहानी. डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द Z5 ऐप राइट नाउ. आज 3 से 5 के बीच राहुल मेरे साथ वरमाला लेने गया था. बहू हो तो ऐसी, ससुराल की इज्जत के लिए विक्टिम की इज्जत कुर्बान करने को तैयार. डंडे के दम का इतना भी फायदा मत उठाइए कि आप ही को नुकसान हो जाए. इंस्पेक्टर, धमका रही है आप मुझे. गोयनका जी, जैसा आपने कहा था पूरा वैसा ही हो रहा है. पूरा ऑपोजिशन और मीडिया व्यास फैमिली के घर के बाहर जमावड़ा लगाए खड़ा है. मेरे लिए सिर्फ एक भरोसा मायने रखता. पूजा, क्या एक स्टेटमेंट मुझ पर तुम्हारे भरोसे को हिला देगा? मुझे तो लगता है कि ये दोनों भाइयों की मिली भगत है. उठो हवलदार, हथकड़ी लगाओ. मुझे जाने दीजिए. एक मिनट इंस्पेक्टर. इतना बड़ा कांड करके सिटी छोड़ने की प्लानिंग है तुम्हारी? अपनी होने वाली बीवी का रेप करके देश से भागने के जुर्म में आप अंडर अरेस्ट है मिस्टर कुणाल गोयनका. अनुज टी शर्ट उतार. क्या बात है लड़की, तू ऐसे क्यों बोल रही है? मामा, मैंने अनुज के पीठ पर स्क्रैच देखा था. मेरी ननद का गुनहगार और कोई नहीं बल्कि मेरा भाई अनुज है. के टुकड़े, ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता. कोई मुझे सबूत के साथ कोर्ट तक पहुंचने से रोकना चाहता है. मैडम, पूछो टेलर का है? मास्टर जी के साथ कोर्ट आ रही थी. इसका मतलब गुनहगार अनुज नहीं, कोई और है. पूछो, ये आपकी पार्टी का दफ्तर नहीं है कि कभी भी अपना मुंह उठाकर फौज लेकर चले आओ. इस हार्ड डिस्क में रिजॉर्ट की 2 से 6 की CCTV फुटेज. अब ये कैनवस ही हमें असली मुजरिम तक पहुंचाने में मदद करेगा. वो टेलर ही मुजरिम तक पहुंचने की हमारी आखिरी उम्मीद है. लेकिन उनकी पहचान करने के लिए हमें उनका हुलिया चाहिए जो आप ही इस कैनवस पर उतार सकते हैं. सॉरी एवरीवन, लेकिन मेघना का असली गुनहगार अब तक आजाद घूम रहा है. और अब जब तक असली गुनहगार का पता नहीं चल जाता तब तक इस शगुन की थाल को इंतजार करना होगा. मैं और मेरे हस्बैंड इस सच्चाई की लड़ाई में मेघना के साथ हैं और इस बार हम मुजरिम को हथकड़ी पहनाकर ही चैन लेंगे. इंस्पेक्टर, शायद अब भी वो घड़ी नहीं आई है. लगता है व्यास मैंशन के लोगों का मेरे बिना दिल नहीं लगता. आपकी यहाँ आने की वजह थैंक यू बोलना तो नहीं हो सकती. क्या मेघना एक बार दानिश से मिल सकती है? आप विक्टिम को मुजरिम से मिलवाना चाहती है? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कुछ सवाल है जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है इंस्पेक्टर. जो जवाब चाहिए वो कोर्ट की कार्रवाई के दौरान मिल जाएंगे. इंस्पेक्टर, अगर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट नहीं करती. प्लीज एक बार मेघना को दानिश से मिलने की परमिशन दे दीजिए. मेघना की तसल्ली के खातिर. ठीक है, मिल जाएगी परमिशन. लेकिन एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस. आपको मुझे नरेन व्यास के 1 घंटे गायब होने का राज बताना होगा. इंडिया को अपनी ढाल बना रहे हो नरेन बाबू. नॉट फेयर. सर, मैं तो वही कर रहा हूँ जो पिछले कुछ दिनों से आप कर रहे थे. आई नो वेरी वेल, बार बार व्यास मैंशन के बाहर जो मीडिया आ रही थी
वो किसके कहने पर आ रही थी। थैंक यू। बहुत भागो वाली हूं मैं जो मुझे कुणाल जैसा जवाई मिला। अब मुझे मेघना की कोई चिंता नहीं। लेकिन सुप्रिया जी, ये रोज रोज की फजीती अच्छा नहीं लगता। प्लीज टेल योर बहू के ये सब ड्रॉप कर दे। आंटी, डोंट वरी, बस कल सुबह 8 बजे तक की बात है। असली गुनेगार हमारे सामने होंगे। एंड आई एम टेलिंग यू, एक बार वो मेरे सामने आया तो मैं भूल जाऊंगा कि उसका हमारी फैमिली से कोई रिश्ता भी है। नीलू, why all this? सुबह से तुम इतनी परेशान हो, सोचा तुम्हारा थोड़ा स्ट्रेस कम कर दूं। वेरी फनी, स्ट्रेस तो हूं हार्दिक। समझ में ही नहीं आ रहा हमारी फैमिली में ऐसा कौन हो सकता है जो ऐसी चीप हरकत करेगा। एनी लीज, इस एनवेलप में व्यास मेंशन के खोए हुए बेटे का नाम और बाकी डिटेल्स है। बस ब्लड सैंपल्स मिलने की देरी है, फिर उसका डीएनए टेस्ट करके ये कंफर्म हो जाएगा कि वही व्यास मेंशन का असली वारिस है। I'll wait for your call, Ajay. डॉक्टर, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, पल्स गिर रहा है, आप जल्दी चलिए। सॉरी मिस्टर व्यास, हम पेशेंट को बचा नहीं पाए। दो बजकर 7 मिनट का साथ में रानू की अंगूठी में ना मैंने एक ट्रैकर लगा दिया। ये लाल डॉट दिख रही है, ये जहां जाएगी हमें पता चल जाएगा। देखिए अभी हम लेटकर चौक पे हैं। अर्जुन, हमें रानू की लोकेशन मिल गई तो हमें चलना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। आज आपके सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, अपनी कृपा हमारे परिवार पर बनाए रखिए। शहर का एक भी छोरा ना है जिसे महक ने ना पछाड़ा हो। लड़कियां भिड़ते हुए नहीं किचन संभालती, वो ज्यादा अच्छी लगती है। मैंने पृथ्वी जी को फोन किया था, रो रही थी बहुत बुरी तरीके से, और उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि आप जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ। और आपको पता है, मुझे तो पृथ्वी जी की आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही थी, लेकिन वो मुझे यही बोलते गए कि आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे टालने की कोशिश कर रहा है। पुलिस को अब तक पता चल गया होगा हम लोग यहाँ हैं, इसलिए सारे स्कूल को घेर लिया होगा। अब उनसे बचने के लिए हमें तुम्हें घेरना होगा। Excuse me, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे अंदर मेरा भतीजा है, मुझे जाने दीजिए ना प्लीज। अंदर जाने अलाउड नहीं है। तो मेरे तो एक काम कीजिए, उन बच्चों को बाहर ले ला सकते हैं? नहीं ना। आप क्यों बहस कर रहे हैं? अंदर कोई चोर उचक्का नहीं, टेररिस्ट है।